नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते केस उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गए हैं। राज्य के नासिक शहर में बेड न मिलने पर एक मरीज ने ऑक्सीजन मास्क के साथ धरना किया, बाद में इस मरीज की मौत हो गई। नासिक में बेड नहीं मिलने के कारण 38 वर्षीय कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट ने नासिक महानगर पालिका के सामने ऑक्सीजन मास्क से धरना दिया था। बुधवार शाम 1 घंटे के धरने के बाद कॉर्पोरेशन की एम्बुलेंस उन्हें म्यूनिसिपल अस्पताल ले आई। रात में करीब 12 बजे इस मरीज का ऑक्सीजन लेवल 40% के करीब चला गया था। देर रात करीब 1 बजे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अब पुलिस और कॉर्पोरेशन इस बात की जांच कर रही है कि पेशेंट को धरना देने के लिए किसने उकसाया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में तेजी से इजाफा हो रहा है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि कुछ अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। कुछ दिन पहले नागपुर के एक अस्पताल के बेड में 2 पेशेंट का फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना था। जो फोटो सामने आया था वह नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल का था। अधिकारियों के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल की तुलना में खर्च कम होने के कारण लोगों ने सरकारी अस्पतालों की ओर रुख करने और डॉक्टरों द्वारा गंभीर मरीजों को GMCH रेफर किए जाने के कारण स्थिति और बिगड़ी है। हालांकि अस्पताल के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि 1 बेड पर 2 पेशेंट वाली स्थिति को अब ठीक कर लिया गया है।